मेरा नाम अमित शाह मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट 2019 नंबर 47 सभापति महोदय आज मैं जर्मनी का हूं आज मैं गरिमामय सदन के सामने मेरे कुछ गैंग मेंबर्स के साथ एक वायरल बिल लेके उपस्थित हुआ हूं। पार्टीशन के बाद हम सबकी कल्पना थी कि पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटी को उनका हक मिले और हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनका इंजमामुल हक मिले। लेकिन मान्यवर खुशी की बात यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म हुआ है जिसके नाम पे हम वोट लेंगे। आज के समय में बांग्लादेश के 20% माइनॉरिटी हिंदू कम हो चुके हैं पहले के मुकाबले। वो मुलुंद और पुरला में काम कर रहे हैं बट लेट्स यूज सम अदर वर्ड्स जिससे ये स्पीच थोड़ी इंटेंस लगे। कहां गए? मार दिए गए, लिंच कर दिए गए, पूरी देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि उनका कटा है। 2019 के मैनिफेस्टो के अंदर देश के टैक्स पेयर के 4,00,000 करोड़ खर्च करके टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज या ब्राइट आउटडोर के होर्डिंग्स पर हमने बता दिया था किस तरह देश के टुकड़े करेंगे और देश की जनता ने इसके समर्थन में वोट दिया। थोड़े चूतिए लोग तो हो आप लोग। जब तक कोई चीज ट्रेंड नहीं होती है पढ़ते हो नहीं। मुझे आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं मुद्दे से भटक गया। अफवाह फैलाई जा रही है कि पूरे देश में ये बिल हिंदुस्तान के ज्यूइश मुसलमानों के खिलाफ है जो इस देश के मुसलमानों के लिए बिल्कुल खतरा नहीं है। इसके लिए उन्हें कोई चर्चा या चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है और रहेंगे। मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, सबको क्वांटम बांटे जाएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सारे हिंदुओं का हम स्वागत करते हैं। बहुत जगह है हमारे देश में, अगर नहीं भी है तो आने वाले कुछ सालों में बना लेंगे। जय नरेंद्र, जय मोदी, जय बीजेपी, जय भारत।